हाय फ्रेंड्स, योमिक क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग RRB NTPC एग्जाम के टॉप GK क्वेश्चन फिजिक्स का सीरीज 4 करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे फ्रेंड्स, उन सारे क्वेश्चंस के जो RRB ने पूछ चुका है इसका पहले 2016 PT और मेंस दोनों में। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, आप बने रहिए पूरा वीडियो में, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और इसी से आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है हिमीकरण यानी फ्रीजिंग। फ्रीजिंग तापमान पानी के पाइप फट जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फ्रीजिंग क्या होता है कि जब पानी वाटर ठोस में बदलता है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए, जब भी वाटर ठोस में बदलता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाती है। वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाएगी जब वो ठोस में बदलेगी, यानी जब वो बर्फ बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर पानी के पाइप में इसकी अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो निश्चित है कि उसका क्या हो जाएगा, पाइप फट जाएंगे, क्योंकि पानी का वॉल्यूम कम है तो आसानी से बहता है, जब वो जम जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाती है जिसकी वजह से पाइप फट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सपेंशन, फैलना, फैलाव होता है उसके वॉल्यूम में, क्या होता है, फैलाव होता है। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के फैलाव की वजह से, देखिए इंग्लिश वर्ड है एक्सपेंशन, हिंदी में इसको फैलाव भी कह सकते हैं, फैलाव की वजह से उसको वॉल्यूम में, या कह सकते हैं वॉल्यूम में बढ़ोतरी के कारण, ऑप्शन कैसे भी चेंज कर सकता है फ्रेंड्स। किसी भी क्वेश्चन को टफ उसका ऑप्शन बनाता है। ऑप्शन आसान दिया है तब जल्दी समझ जाते हैं क्वेश्चन को, ऑप्शन टफ दिया है तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो एक्सपेंशन जो आपको वॉल्यूम में इंक्रीज भी दे सकता है, आयतन में बढ़ोतरी कह सकता है, या आपको फैलाव कह सकता है। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स। इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आया तो आसानी से कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे वाटर फ्रीज करता है, जम जाता है, ठोस बन जाता है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे, तापमान पे जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाता है, यानी सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस पॉइंट को, उस तापमान को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम होता है। जिस तापमान पे वो फ्रीज होना शुरू होगा उसी तापमान पे वो मेल्ट करना भी शुरू होगा। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसी पदार्थ की मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट समान होते हैं, असमान होते हैं, इस तरह का ऑप्शन दे देता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसी पदार्थ क्या होता है, समान होता है, सेम होता है। 0 डिग्री सेल्सियस अगर वाटर बर्फ में बदलेगी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ वाटर में बदलेगा। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म शीशों को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को एनिलिंग कहते हैं। जब हम गर्म शीशों को धीरे धीरे ठंडा करते हैं, इस प्रोसेस क्या कहते हैं, एनिलिंग कहते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के एक साल में 10 किलोमीटर यात्रा कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर करने पर समझते हैं। प्रकाश जो एक वर्ष में 9.461 × 10^12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अगर मीटर में आएंगे तो यही 12 की जगह क्या कर दीजिए, 15 मीटर कर दीजिए। तो एक वर्ष पे किलोमीटर में 10^12 और मीटर में देखेंगे तो 10^15 इतना डिस्टेंस कवर करता है। और इसको एस्ट्रोमिक यूनिट में, एस्ट्रोमिकल यूनिट में भी मेजर करते हैं। तो ये हो गया 63.24 × 10^3 एस्ट्रोमिकल यूनिट, एक वर्ष में इतना डिस्टेंस कवर करता है एस्ट्रोमिकल यूनिट में। और पार्सेक में सबसे बड़ा डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होता है वो पार्सेक होता है, जो हम लोग दो ग्रहों के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं पार्सेक। तो ये हो गया 0.3066, ये पार्सेक हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हो गया, आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है, तो ये आप याद रखिए। और सही आंसर होगा अगर ये पूछ रहा है तो 10 ट्रिलियन किलोमीटर, किलोमीटर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 ट्रिलियन होगा। 10 ट्रिलियन एक वर्ष प्रकाश कवर करता है डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, समझिए इसको क्या होता है। निर्वात मतलब वैक्यूम, वैक्यूम में, वैक्यूम मीडियम से एनोदर मीडियम में जब प्रकाश मूव करता है तो उन दोनों मीडियम के बीच का जो रेशियो होता है उसको क्या कहा जाता है। समझ गए होंगे क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। देखिए ये निर्वात हो गया, ये निर्वात हो गया और इससे क्या जाता है, दूसरे मीडियम में चल गया। तो देखिए ये एंगल आपके निर्वात के बीच का बना है और ये जब ये रिफ्रैक्ट कर गया तब ये बना है, यानी
अपवर्तन के बाद बना है। तो इन दोनों एंगल के बीच का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जरूरी नहीं एंगल का ही रेशियो ले, आप इसके स्पीड का भी रेशियो ले सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। फ्रेंड दूसरे लैंग्वेज में इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। देखिए यहाँ देखिए थीटा वन थीटा टू है फ्रेंड्स, तो ये दोनों देखिए, ये एन वन मीडियम ये एन टू मीडियम, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है एन वन बाई एन टू साइन थीटा टू बाई साइन थीटा वन, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो कभी पूछ ले स्नेल्स लॉ किससे जुड़ा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जुड़ा हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन से रिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स समझ गए इसका आंसर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्सिव नहीं रिफ्रैक्टिव। देखिए दो ऑप्शन यहाँ है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या कर रहा है, एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखना है क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आंसर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है। फ्रेंड्स इसको समझते हैं क्या है, देखिए फ्रेंड्स ये एक ग्लास है, प्रिज्म है, इससे कई क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लेता है, इससे कितना क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि देखिए ये एक व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट में कितने कंपोनेंट होते हैं, सेवन कंपोनेंट्स होते हैं, सेवन कंपोनेंट्स करने के बाद सात रंग इसमें होते हैं जो विजुअल लाइट होते हैं, ये सात रंग जो है विजुअल लाइट है, इसके ऊपर अनविजुअल हो जाता है, नीचे भी अनविजुअल लाइट होता है, विजुअल जो है यही सातों है। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर रेड है, सबसे नीचे वायलेट है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इससे पूछता है कि वाइट लाइट को अगर प्रिज्म से पास किया जाए तो सबसे कम डिफ्लेक्ट कौन होता है, यानी सबसे कम कौन मुड़ता है, या सबसे अधिक कौन डिफ्लेक्ट होता है, सबसे अधिक कौन मुड़ता है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं सबसे अधिक मुड़ता है वायलेट और सबसे कम मुड़ता है आपको रेड। तो सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है रेड, सबसे अधिक डिफ्लेक्ट होता है वायलेट, ये क्वेश्चन बन जाता है। फ्रेंड्स हम लोग जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है। तो फ्रेंड्स आवृत्ति जितनी हाई होगी डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। तो सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की, और इसकी आवृत्ति क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी, यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वायलेट, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी, रेड की। एकदम उल्टा करके याद रखिए, रेड की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है जिसकी वजह से बहुत कम मुड़ता है, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी जो आवृत्ति जो होती है बहुत ही कम होती है, जबकि वायलेट का वेवलेंथ शॉर्ट होता है, बहुत छोटी होती है, लेकिन आवृत्ति इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, लाल, लाल रंग की आवृत्ति क्या होगी, सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं। फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से सिलिकन हाइड्रोजेल, सिलिकन क्या होगा, सिलिकन, सिलिकॉन, सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजेल, या सिलिकॉन हाइड्रोजेल भी दे सकता है आपको ऑप्शन है, खाली हाइड्रोजेल भी दे सकता है या सिर्फ सिलिकॉन भी दे सकता है फ्रेंड्स। तो ये आपका आंसर क्या होगा, सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिल्कुल फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं होता है, इन विकल्प किस में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं। देखिए फाइबर ऑप्टिक्स है क्या फ्रेंड्स, तो समझते हैं, देखिए फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, तो बालों के समान बारीक कांच, बहुत पतला कांच का तार होता है कह सकते हैं, कांच का तार होता है जिसमें प्रकाश को आगे भेजा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, कैसे, फाइबर ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से इसको भेजी जाती है, और ये बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होता है जिसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ये किससे बन सकता है, कांच से, पारदर्शी प्लास्टिक से, क्वार्टर्स से, लाइलून से, या पोलिस्ट्रॉन से, इन सब से बन सकता है। इसका जनरली यूज होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग में क्यों, तो वहाँ भी सिग्नल भेजना होता है, डेटा भेज सकते हैं आप, सेंसर्स में डेटा वगैरह भेजा जाता है, दूरसंचार में, पावर ट्रांसमिटर, जहाँ भी ट्रांसमिटर्स की बात हो, जहाँ भेजने की बात हो, तो समझ जाइए कि हाँ फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ हो सकता है। विद्युत उत्पादन में इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तो एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग क्या सिग्नल को भेजते हैं। तो फ्रेंड्स समझ गए इसका आंसर क्या होगा, कि विद्युत उत्पादन में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ नहीं पूछा है कहाँ प्रयोग नहीं होता, बाकी सब में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद सूर्य दिखना के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? फ्रेंड्स इसका ऑप्शन पढ़िए, वायुमंडलीय प्रतिबिंब यानी कहने मतलब ऑटोमोस्फेरिक ऑटोमोस्फेरिक इमेज, वायुमंडलीय पानी की बूंदों उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिबिंब यानी ऑटोमेटिक प्रेशर ऑटोमोस्फेयर में जो इंटरनल इमेज बनता है वो, वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदों सूर्य के प्रकाश के फैलाव और वायुमंडलीय अपवर्तन ऑटोमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन लास्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स इसका समझते हैं क्या होता है। देखिए ये हमारा ऑटोमोस्फेयर है और ये अर्थ है। अब देखिए रियल पोजिशन हम सबसे पहले समझते हैं सनराइज, रियल पोजिशन कहाँ है, सन यहाँ है, लेकिन जब हम यहाँ एक पर्सन है कोई आदमी हो इसे देखता है तो उसको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। होता क्या है कि लाइट जो यहाँ से आ रही है इसको सीधे चल जानी चाहिए, क्या चल जानी चाहिए सीधे, लेकिन ये क्या है कि वायुमंडल का रिफ्रेक्ट होता है, हमारे आँखों तक पहुँच जाता है। जब आँखों तक पहुँच जाता है तो हम उस प्रतिबिंब को देख सकते हैं क्योंकि इसका प्रतिबिंब हमारे आँख पर बन जाएगा। जब इस वस्तु से टकराकर कोई प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचती है उसका प्रतिबिंब बनता है तो हम उसको देख पाते हैं, ये देखने का एक प्रोसेस है। जब ये लाइट यहाँ से आती है और यहाँ से रिफ्रेक्ट होकर सीधे जाकर रिफ्रेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे आईज तक पहुँच जाती है और इसका तस्वीर हमारे आँखों पर बन जाता है, रेटिना पर बन जाता है और हम इसको देख पाते हैं। लेकिन हम देखेंगे कहाँ, सीधे पोजिशन में देखेंगे, स्ट्रेट लाइन में ही हम देख सकते हैं, टेढ़ा नहीं देख सकते हैं। सेम घटना सनसेट के समय भी होता है, सूर्यास्त के समय भी होता है। सूर्यास्त हो चुका रहता है, सनसेट हो चुका रहता है, फिर भी जो लाइट सन से आ रही है वो सीधे ना जाके मुड़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ एक पर्सन उसको ऑब्जर्व करता है, उसकी तस्वीर उसके आँखों में बनती है, सनसेट के बाद भी उसे दिखाई देता है सन। तो ये है कि क्यों सनराइज के पहले, देखिए सनराइज हुआ नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है, या सनसेट हो चुका है फिर भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मेन वजह क्या है, एटमॉस्फेयर की वजह से इन्हें मुड़ रहा है, यानी मुड़ने का प्रकाश जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं उसको, रिफ्रैक्शन कहते हैं। एटमॉस्फेयर के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है तो क्या कहिएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। फ्रेंड्स मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता हूँ ताकि इंग्लिश और हिंदी किसी को प्रॉब्लम ना हो, इंग्लिश में ज़्यादा साइंस समझने में ईजी लगता है, तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोलूँगा हमेशा, जितनी भी सीरीज मेरी होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। तो फ्रेंड्स टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखिए टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रभाव को इफेक्ट को, टिंडल इफेक्ट इसको कहते हैं, टिंडल इफेक्ट उन्होंने जो भी इसके बारे में रिसर्च की पता लगाया तो इसका नाम पड़ गया टिंडल इफेक्ट। देखिए इस तस्वीर को पहले देखते हैं, आप जनरली मोस्टली जंगल वगैरह में जाते हैं तो इस तरह का तस्वीर आपको जरूर देखने को मिलेगा, या घरों में भी देखने को मिलेगा, भिंडी लीटर से इस तरह प्रकाश आते हुए आप जब सोते होंगे शाम में तो दिखाई देता हो। फ्रेंड्स इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं, दिस इज टिंडल इफेक्ट। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है, लाइट क्या हो जाती है फैल जाती है, लाइट क्या हो जाता है फैल जाता है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट इसको कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, डिफ्यूजन ऑफ लाइट, लाइट फैल जाती है। क्यों फैल जाती है तो देखिए समझते हैं, ये देखिए तीन तरह का सॉल्यूशन होता है, एक तीन तरह का आपको मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एकदम ट्रांसपेरेंट होता है फ्रेंड, इसके जो पार्टिकल्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कोलाइड को भी आप पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, लेकिन ये सॉल्यूशन से बड़ा इसमें पार्टिकल होता है, और सस्पेंशन में क्लियरली आप पार्टिकल देख सकते हैं, जो इसमें दिख भी रहा है, आप देख पा रहे हैं इसमें दिख भी रहा है पार्टिकल्स। तो फ्रेंड्स जब लाइट, देखिए लाइट जब इससे पास हो रही है तो सॉल्यूशन से क्लियरली पास हो जा रही है, यानी सॉल्यूशन में इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि लाइट उससे टकराकर फैलते नहीं है, लेकिन कोलाइड सस्पेंशन में देखते तो कोलाइड में फैल रहे हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स टकरा जा रहे हैं लाइट के वेवलेंथ से, और सस्पेंशन में टकरा जा रहे हैं जिसकी वजह से आसानी से लाइट क्या हो जाती है फैल जा रही है और उसकी पाथ विजिबल हो जाती है। इससे कितनी बार क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन से डिफ्यूज होता है लाइट कि नहीं होता है, कोलाइड से होता है या सस्पेंशन से होता है, इससे भी क्वेश्चन किसी तरह भी बना सकता है। तो सॉल्यूशन से डिफ्यूज नहीं करता है लाइट, कोलाइड और सस्पेंशन से करता है। यही घटना आपको यहाँ भी घट रही है, एटमॉस्फेयर में फाइन पार्टिकल्स है जिससे टकराने के बाद लाइट क्या हो जा रही है डिफ्यूज कर जा रही है, प्रकीर्णन हो जा रही है लाइट की, और इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं
प्रकाश टिंडल इफेक्ट, क्योंकि टिंडल ने इसकी खोज की थी। आंसर क्या हो गया आपकी, प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल इफेक्ट का क्या मतलब है, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।